तो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। भारतीय तुर्क के पत्ते टॉप ऑर्डर इनका लाजवाब है और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि विराट चलते हैं तो कमाल चलते हैं। रोहित शर्मा का एक पावरफुल ओपनिंग पेयर है और ये पार्टनरशिप चलती है तो अपोजिशन को लटा देती है। अगर इस टीम को देखा जाए इंतहाई खतरनाक किस्म का स्क्वाड इंडिया का नजर आ रहा है क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो बड़े खतरनाक है। ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है। जी हाँ, ऋषभ पंत जो कितने अरसे से बाहर थे क्रिकेट के एक्सपीरियंस के बाद से फाइनली उन्होंने आईपीएल खेली और वो फर्स्ट चॉइस के तौर के ऊपर ऋषभ पंत अपनी टीम में जगह बना पाए। और सबसे बड़ी और अच्छी खबर जो मुझे लगी है ना यार, यहां पर सुकून मिला है, वो खबर यह है कि संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया यार। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि तो इस आईपीएल में संजू सैमसन ने 9 मैचेस खेले, 385 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 11 मैचों में 398 बनाए। संजू सैमसन ने 9 मैचों में 385 रन बनाए, सिर्फ 14 रन का फर्क है संजू और ऋषभ पंत में, लेकिन 2 मैचेस संजू ने कम खेले में। संजू की पंत की जो एवरेज है इस वक्त वो 44.2 की है, बट संजू की जो एवरेज है वो 77 की है। एक फास्ट बॉलर शायद कम है, 3 मेजर फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। इंग्लिश कंडीशंस में शायद एक और एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लेके जा सकते थे, हेल्पिंग हैंड के लिए हार्दिक पांड्या है। हम बड़ा खुश हो रहे थे कि विराट कोहली से इस दफा जान छूट जाएगी, विराट कोहली नहीं होगा, बड़े आराम से इंडिया को मैच हरा के आगे जैसे कहते हैं ना सेमीफाइनल के लिए जाएंगे, लेकिन विराट कोहली तो आ गया। अब विराट कोहली को बर्दाश्त करना सबसे बड़ी टेंशन विराट कोहली है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवम दुबे, हाय 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 दुबे, कितने बॉलर्स को डुबाएगा ये बंदा वर्ल्ड कप में, ये मैं पहले ही जो है वो बड़ा हैरान हूं इसकी बैटिंग देख के, और ये मिडिल ऑर्डर में आके तबाही मचा के रख देगा वर्ल्ड कप में। और ये जो स्पिन अटैक है भारत का, ये लाजवाब है। चाहल लेग स्पिन करते हैं और इतना उनका हौसला और जिगरा है कि गेंद को फ्लाइट करते हैं और विकेट्स लेते हैं, और कुलदीप यादव को रीड करना फॉरेन टीम के बैट्समैनों के लिए मुश्किल काम है। उनकी चाइनामैन गुगली बहुत अच्छी है और अच्छा पेयर ये साबित हो सकते हैं, मैच विनिंग पेयर साबित हो सकता है, और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि विराट चलते हैं तो कमाल चलते हैं। रोहित शर्मा का एक पावरफुल ओपनिंग पेयर है और ये पार्टनरशिप चलती है तो अपोजिशन को लटा देती है। पंत के लिए इसलिए कि मेरी भी किताब में वो इस सिलेक्शन का हिस्सा बनते थे क्योंकि मैच विनर एक्स फैक्टर उनके पास है। एक फास्ट बॉलर शायद कम है, 3 मेजर फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। इंग्लिश कंडीशंस में शायद एक और एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लेके जा सकते थे, हेल्पिंग हैंड के लिए हार्दिक पांड्या है, और ये जो स्पिन अटैक है भारत का, ये लाजवाब है। चाहल लेग स्पिन करते हैं और इतना उनका हौसला और जिगरा है कि गेंद को फ्लाइट करते हैं और विकेट्स लेते हैं, और कुलदीप यादव को रीड करना फॉरेन टीम के बैट्समैनों के लिए मुश्किल काम है। उनकी चाइनामैन गुगली बहुत अच्छी है और अच्छा पेयर ये साबित हो सकते हैं, मैच विनिंग पेयर साबित हो सकते हैं। अब देखना ये है कि विराट कोहली इनको कैसे लीड करते हैं और क्रंच मोमेंट्स पे कैसा परफॉर्म करते हैं। बिगेस्ट क्रंच मोमेंट और बिगेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट वो होगा पाकिस्तान के साथ। 2.5 लाख टिकट्स की डिमांड आई थी तो आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा इवेंट है। इंडिया ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, इंडिया का स्क्वाड आ चुका हुआ है जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप यूएस में वेस्ट इंडीज के अंदर खेला जाएगा। काफी सारी बहस चल रही थी, फाइनली इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड एकदम से आ गया। अभी तक लग रहा था कि कल या परसों तक ले जाएंगे, आज सिर्फ मीटिंग होगी, मीटिंग शुरू हुई है, उसके कुछ ही देर के बाद स्क्वाड लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड, रोहित शर्मा कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल इनके साथ ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली जिनके नाम के ऊपर बहस की जा रही थी कि विराट कोहली को टीम का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, विराट कोहली टीम का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, विराट कोहली ने अपने बल्ले से सबके मुंह बंद करके रख दिए, विराट कोहली ने अपनी टीम में जगह बना ली है, विराट कोहली फर्स्ट चॉइस के तौर के ऊपर इंडियन टीम का पार्ट बने हैं। इसी के साथ साथ दुनिया का नंबर 1 T20 का खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का भी नाम है। ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है। जी हाँ, ऋषभ पंत जो कितने अरसे से बाहर थे क्रिकेट के एक्सपीरियंस के बाद से फाइनली उन्होंने आईपीएल खेली और वो फर्स्ट चॉइस के तौर के ऊपर ऋषभ पंत अपनी टीम में जगह बना पाए। संजू सैमसन का भी नाम आया है, संजू सैमसन जो कि इंप्रेस कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बन चुके हुए। हार्दिक पांड्या का भी नाम आ गया है एज अ वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या टीम के वाइस कैप्टन होंगे। शिवम दुबे को सिलेक्ट किया गया है, रविंद्र जडेजा भी टीम का पार्ट है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, युजविंदर चहल है। 4-4 स्पिनर के साथ इंडिया गया क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज के अंदर स्पिनर्स को मदद मिलती होती है, तो स्पिनर के साथ इंडिया ने जाने का फैसला किया है और ये एक अच्छा जैसा कहते हैं ना, इनका जैसा कहते हैं ना सोच है। इसी के साथ साथ फास्ट बॉलिंग के अंदर अर्शदीप सिंह को लेके गया है, लास्ट आर्म बॉलर है, जसप्रीत बुमराह है और मोहम्मद सिराज है। ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर शुभमन गिल का नाम है, शुभमन गिल अपनी टीम में जगह नहीं बना पाए थे, उनको ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर रखा गया। इसी के साथ साथ रिंकू सिंह का भी नाम ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर है, खलील अहमद भी ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर है और अवेश खान भी ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर है। ये है इंडिया का स्क्वाड, 19 बंदों का इनका स्क्वाड आया, 15 तो वैसे हो गए, 7 ट्रैवलिंग रिजर्व के जो खिलाड़ी हैं वो आए। स्क्वाड को देखा जाए तो ये तगड़ा स्क्वाड तो नजर आ रहा है, लेकिन रिंकू सिंह शिवम दुबे की जगह नहीं ले पाए, शिवम दुबे ने रिंकू सिंह की जगह ले ली, ये शॉकिंग था क्योंकि हमने सोचा था शायद इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाएगा और रिंकू सिंह को इंक्लूड करेगा, लेकिन रिंकू सिंह को ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर कर दिया गया। अगर इस टीम को देखा जाए इंतहाई खतरनाक किस्म का स्क्वाड इंडिया का नजर आ रहा है क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो बड़े खतरनाक है।
अगर इनको देखा जाए इनकी आईपीएल के अंदर भी परफॉर्मेंस सिवाय विराट कोहली की इनकी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं है, जसप्रीत बुमराह विराट कोहली के अलावा और युजवेंद्र चहल, बाकी जो जिनकी परफॉर्मेंस खास है वो बैठे हुए हैं। यही तो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर टीम सिलेक्ट होती है पीएसएल की बेस के ऊपर, जो जिसने परफॉर्मेंस दिखाई वो टीम का हिस्सा बन गया, लेकिन इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में वही प्लेयर्स रहे जो पहले के थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर होता तो फिर अभिषेक शर्मा का भी नाम आता, ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम आता, मयंक यादव का भी नाम आता, हर्षद पटेल का भी नाम आता, लेकिन नहीं वो अपनी बेसिक्स के साथ ही रहे हैं। हम बड़ा खुश हो रहे थे कि विराट कोहली से इस दफा जान छूट जाएगी, विराट कोहली नहीं होगा, बड़े आराम से इंडिया को मैच हरा के आगे जैसे कहते हैं ना सेमीफाइनल के लिए जाएंगे, लेकिन विराट कोहली तो आ गया। अब विराट कोहली को बर्दाश्त करना सबसे बड़ी टेंशन विराट कोहली है। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा भी है, रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मारने लगे, बड़ा खतरनाक मारते हैं। और फिर जो सबसे खतरनाक चीज है वो है सूर्य कुमार यादव। देखिए सूर्य कुमार यादव वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक चला नहीं है, लेकिन इसका डर लगा रहता है क्योंकि जब चलेगा तो ये बहुत बुरी तरह से पिटाई करेगा, बड़ा खतरनाक किस्म का खिलाड़ी है, बड़ा मारेगा, बड़ा कुछ हमारे साथ कर सकता है। एक्सक्लूजन यानी क्वेश्चनेबल एक्सक्लूजन तो मेरी नजर में सिर्फ एक ही और वो है रिंकू सिंह की। ही विल बी मिसिंग आउट द टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। हालांकि जिस तरीके से पिछले आईपीएल से लेके रिंकू सिंह को इंटरनेशनल में मौका मिला, रिंकू सिंह ने बिल्टअप किया, रिंकू सिंह ने बड़ा जबरदस्त अपने आप को एज अ फिनिशर बनवाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि नहीं जी आईपीएल की परफॉर्मेंसेस मैटर नहीं करती। हार्दिक पांड्या के ऊपर है, हार्दिक पांड्या भाई देखें हार्दिक पांड्या नहीं मिस आउट करता, ये मुंबई इंडियन का मामला कुछ और है, बाकी मामला कुछ और है। हार्दिक पांड्या ने नहीं करना था मिस आउट, हार्दिक पांड्या ने होना था स्क्वाड के अंदर। तो इस आईपीएल में संजू सैमसन ने 9 मैचेस खेले, 385 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 11 मैचों में 398 बनाए, संजू सैमसन ने 9 मैचों में 385 रन बनाए, सिर्फ 14 रन का फर्क है संजू और ऋषभ पंत में, लेकिन 2 मैचेस संजू ने कम खेले में। संजू की पंत की जो एवरेज है इस वक्त वो 44.2 की है, बट संजू की जो एवरेज है वो 77 की है। केएल राहुल का मिस आउट करना मेरे ख्याल से कोई खबर ही नहीं है, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि जहां ऋषभ पंत के इस तरह के नंबर्स हैं कि वो एक बंदा जो कि पिछले डेढ़ दो साल से क्रिकेट खेला नहीं है वो वापस आता है स्कीम ऑफ थिंग्स पर, 158 के रन रेट स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहा है, 44.2 की एवरेज है, ठीक है, डॉट बॉल परसेंटेज 32-33% की है, लेकिन बट स्टिल ही हैज स्कोर्ड नंबर ऑफ सिक्सेस एज वेल, 24 सिक्सेस इन 11 मैचेस सो फार होना चाहिए। शिवम दुबे आगे आपको नजर आ रहे हैं, शिवम दुबे तो मिस आउट अगर करता तो मेरे ख्याल से बवाल मच जाता, क्योंकि शिवम दुबे की ही वजह से रिंकू सिंह आपको स्क्वाड में नहीं दिख रहा। लोग शिवम दुबे का मुकाबला हार्दिक पांड्या से कर रहे थे, मैंने आप लोगों को 10 दफा बोला था हार्दिक पांड्या से उसका मुकाबला नहीं बन रहा, उसका आए बनेगा रिंकू सिंह से, और 100% वही हुआ। आ चुका है वो शाहकार जिसका सबको था इंतजार, इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप 2024 का स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया गया है, और बड़ा खतरनाक किस्म का जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है। तो ऋषभ पंत भाई साहब वापसी हो रही है, और इस बंदे के लिए दिली तौर पे मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि ऋषभ पंत की लाइफ कैसी रही है, आप देखेंगे 1.5 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ और किसको पता था कि यार ये बंदा वापसी करेगा, ऐसा लग रहा था शायद ये वापसी ना कर पाए, लेकिन 1.5 साल इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की उसके बाद वापसी की और आईपीएल में आके तबाही मचा दिया ऋषभ पंत ने। इतनी ज्यादा आईपीएल में कमाल की बैटिंग की ऋषभ पंत ने कि बीसीसीआई ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप खिलाने पर मजबूर हो गया भाई। और सबसे बड़ी और अच्छी खबर जो मुझे लगी है ना यार, यहां पर सुकून मिला है, वो खबर यह है कि संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया यार। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि यार इसको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये परफॉर्म भी करता है, लेकिन इसको जब बड़ा इवेंट आता है कोई बहाना बना के इसको बाहर कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इस बार इसने मेहनत बहुत की है। आईपीएल में आप देखे अपनी टीम को टॉप पे ले गए संजू सैमसन, आईपीएल में कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, खुद जो है वो रन बना के अपनी टीम को जितवा रहे हैं, संजू सैमसन छक्के लगा रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, 200+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो एक बंदे को वर्ल्ड कप में होने के लिए और क्या चाहिए था। उसके बाद अगर तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।